दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह की कुदरत के एक बहुत बड़े करिश्मे के बारे में, जिसके बारे में जानकर आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और इंजीनियर हैरान हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आबे जमजम के बारे में और आपको जमजम की कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी आबे जमजम को अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा मानते हो तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि आबे जमजम का पानी कैसे निकला, यानी कि जमजम का चश्मा कैसे जारी हुआ। दोस्तों अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा और अपने मासूम बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक खुश्क और गर्म मैदान में तन्हा छोड़ दिया। मैदान बहुत गर्म था, वहाँ पर ना कोई आदम था ना कोई आदम की जात। उस तपते हुए मैदान में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का प्यास के मारे बुरा हाल होने लगा। बीबी हाजरा से अपने बच्चे की प्यास देखी नहीं गई और वो पानी की तलाश में सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ लगाने लगी। इसी दौरान मासूम इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ियों को रेत पर रगड़ते रहे। अल्लाह के करम से उस जगह पर पानी निकलने लगा। फिर यह जगह कुएं का रूप ले लेता है जो जाना जाता है जमजम का पानी। दोस्तों जमजम का यह कुआं सऊदी अरब के मक्का शहर में 18x14 फुट चौड़ा और 13 मीटर गहरा एक बहुत पुराना कुआं है जो 4000 साल पहले शुरू हुआ था। इस कुएं में ऐसी मोटरें लगाई गई हैं जो हर सेकंड में 8000 लीटर पानी खींचती है और यह दिन के 2400 घंटे चलती रहती हैं। ये छोटा सा कुआं हर रोज 2 करोड़ लोगों को पानी पिलाता है। ये इस कुएं की सियानी है कि ये वापिस सिर्फ 11 मिनट में फिर से भर जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कुएं में जमजम का पानी का लेवल कभी भी कम नहीं होता है। यह पानी जब से शुरू हुआ है उस दिन से आज तक यह कुआं कभी भी सूखा नहीं है और उस दिन से लेकर आज तक इस पानी का जायका भी कभी नहीं बदला है। अक्सर देखा जाता है कि अलग अलग जगहों के पानी का स्वाद अलग अलग होता है, लेकिन जमजम के पानी का स्वाद यूनिवर्सल है। हर पीने वाले को इस पानी का स्वाद अलग महसूस नहीं होता है। और दोस्तों यह भी एक अल्लाह की कुदरती है कि अक्सर पानी में शैवाल वगैरह आ जाते हैं, मगर इस कुएं में किसी भी तरह का कोई पेड़ पौधा या शैवाल नहीं आते हैं। इसी वजह से यह पानी कभी भी मेला नहीं होता है और ना ही इससे कोई बीमार होता है, बल्कि अगर कोई बीमार होता है तो वो अल्लाह का नाम लेकर अगर इस पानी को पीता है तो उसकी बीमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस पानी में बहुत बरकत और शिफा रखी है। और दोस्तों इस पानी को कभी भी रसायन डालकर शुद्ध करने की जरूरत भी नहीं होती है, जैसा कि दूसरे पानी में यह तरीका अपनाया जाता है, यानी कि इसमें किसी भी तरह की कोई केमिकल की कोई मिलावट नहीं की जाती है। इसके बावजूद आबे जमजम पीने के लायक सबसे बेहतरीन पानी है। दोस्तों दुनिया भर से हज और उमराह पर जाने वाले लोग इस पानी को बड़े चाव के साथ पीते हैं। आज तक इस पानी को लेकर कभी भी किसी को शिकायत नहीं हुई है, बल्कि इन लोगों का कहना होता है कि वो इस पानी को पीकर अधिक ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करते हैं। मतलब कि हर साल लाखों लोग इस पानी का फायदा उठाते हैं और कई सारे छोटे बड़े केन भरकर अपने साथ अपने मुल्क भी ले जाते हैं। दोस्तों कुछ साल पहले ब्रिटिश एजेंसी ने यह दावा किया था कि आबे जमजम के पानी में खतरनाक जरासीम यानी कि कीटाणु मौजूद है जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद यूरोप के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने आबे जमजम का निरीक्षण किया था। जमजम के पानी का सैंपल यूरोपियन लेबोरेटरी में भेजा गया। जांच में जो बातें सामने आई उससे ये साबित हुआ कि जमजम का पानी इंसानों के लिए रब की तरफ से एक बेहतरीन नियामत है। उसके बाद WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यह साफ कर दिया था कि यह पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों आबे जमजम दुनिया का वो मुफीद पानी है जिसको पीने में शिफा और जिसको पीते वक्त मांगी जाने वाली दुआ भी कबूल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रुए जमीन पर सबसे उम्दा पानी आबे जमजम ही है। इसमें लजीज खाना और बीमारियों की शिफा है, यानी कि दोस्तों आबे जमजम को पीने से बीमारियों से शिफा मिलती है।